तो मूवी के शुरुआत में हम इवेन को देखते हैं। इवेन एक भोटेस्ता न्यूज रिपोर्टर था। था का मतलब यह है कि वो अभी कांग्रेसमैन बन चुका है। कांग्रेसमैन बनने का मतलब ये नहीं कि वो कांग्रेस के पार्टी के अंदर चला गए। अमेरिका अंदर जो भी लोकसभा या राज्यसभा में चुना जाता है, उस पार्लियामेंट के अंदर चुना जाता है, उसे कांग्रेसमैन कहा जाता है और उसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। यानी कि यहाँ पे यूएन को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते, उसे सपोर्ट करते हैं। वो अभी कांग्रेसमैन चुना गया है। उसी के साथ कांग्रेसमैन चुनने के साथ ही वो अपना पुराना घर छोड़ देता है, टैग देता है और अपने परिवार के साथ यानी कि अपने बीबी और तीन बच्चों के साथ अपने नए कमरे में यानी कि नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। और अगर एक तरह से हम कहने जाए कहा जाए तो यहाँ पे रातों रात इवेन और उसकी फैमिली की जिंदगी बदल गई है। इवेन बहुत ही ज़्यादा अमीर नहीं था, एक मिडिल क्लास आदमी था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो अभी बहुत ज़्यादा खुश है उसके परिवार के साथ, लेकिन उसी के साथ उसकी खुशी और बढ़ गई इस नए घर के साथ और इस नई गाड़ी के साथ। और उसी के साथ उसे जो नई जिंदगी मिली है यानी कि कांग्रेसमैन की, उसी के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश है। और जैसे ही हम एक दिन के बाद जाते हैं उस घर के अंदर, यहाँ पे एक दिन बीत चुका है इसको। और पहली सुबह जैसे ही अलार्म बजता है तो अलार्म 6 बजे के बजाय 6:14 पे बजता है। ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे ही एक दिन पूरा बीत जाता है और दोपहर हो जाती है तो इवेंट को अजीबोगरीब पार्सल मिलने लगते हैं, अजीबोगरीब कुरियर मिलते हैं जो उसी के नाम से उसके पास आते हैं, लेकिन वो उसके नहीं होते। उसे लगता है कि शायद कोई गलती है या उसके नाम की वजह से कंफ्यूजन है, इसलिए वो अपने ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में जाने के बाद हम उसके सहकारियों को देखते हैं, उसके दोस्त को देखते हैं। दोस्तों भी वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और दोस्त भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उसी के साथ इवन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है, उसे पता ही नहीं कि नेगेटिव होता क्या है, या फिर कहा जाए कि वो नेगेटिव इंसान को भी पॉजिटिव बना देता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वो अभी कांग्रेसमैन बना है तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम का लोड आ चुका है, उसको बहुत ही ज़्यादा काम मिलता है। इसके वजह से वो अपने फैमिली को ठीक से टाइम नहीं दे पाता और उसके फैमिली के बीच में और उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा दूरियाँ बढ़ने लगती है। और दूसरे दिन भी ठीक वैसे होता है जैसे पहले दिन हुआ था। यहाँ पे अलार्म 6 बजे के बजाय 6:14 पे ही बजता है और वो देखता है कि शायद उसका अलार्म थोड़ा ख़राब हो गया है, वो उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि दूसरी बार यानी कि दूसरे दिन भी इवेंट के नाम से कुछ और पार्सल और कुरियर आ जाते हैं। ये कुरियर ज़्यादा कुछ नहीं होते, तो सिर्फ लकड़ी के कुछ सामान होते हैं। उसी के साथ वो टीवी में फिर से वही संख्या देखता है जो उसने आलम पे देखी थी, 6:14। वो होली बाइबल निकालता है। बाइबल आप सबको पता होगा कि बाइबल क्या है। उसमें जो वो 6:14 का पेज निकालता है या अध्याय निकालता है, उस अध्याय में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा होता, लेकिन वहाँ पर लिखा होता है कि 6:14 में यानी कि करोड़ों साल पहले जब भगवान और इंसान एक साथ रहा करते थे, उस वक्त नोवा नाम के एक इंसान को पता चलता है कि सुनामी आने वाली है, बारिश से सब कुछ तबाह होने वाला है। नोवा अपने बच्चों के साथ एक नाव बनाता है, एक कश्ती बनाता है बहुत ही बड़ी, सिर्फ उसके फैमिली के लिए नहीं तो जंगल में रहने वाले हर एक जीव जंतु के वो एक कश्ती बनाता है और वो उन सबको बचा लेता है उस सुनामी से। और यही टोटल स्टोरी है नोवा की और इसी के बेस ऊपर है ये पूरी मूवी। तो ये पूरी मूवी एक नोवा के ऊपर है यानी कि एक नाव के ऊपर है, एक आर्क के ऊपर है। तो वो जैसे वो अध्याय पढ़ता है तो उसे लगता है कि ये शायद छोटी बड़ी मिस्टेक या फिर कॉन्सिडेंट है और वो उसे पूरी तरह से भूल देता है। और यही से एवन के साथ अजीबोगरीब चीज़ें घटना शुरू हो जाती है। वो बाहर आके देखता है तो वो एक आदमी से मिलता है। ये आदमी कौन है उसको पता नहीं होता, लेकिन आपके लिए मैं बताता हूँ कि ये आदमी कोई और नहीं तो खुद भगवान होते हैं। भगवान उसे कहते हैं कि सुनामी आने वाली है और तुम्हें नाव बनानी है मेरे दिए हुए सामान से। इसके जवाब में इवन को लगता है कि ये कोई पागल आदमी है जो सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि वो एक भगवान है तो वो छोटे बड़े चमत्कार दिखा देता है और उसे मानने पे मजबूर कर देता है कि वही भगवान है और उसे एक नाव बनानी है और पूरी दुनिया को बचाना है। और जैसे हम उस दिन इवन को ऑफिस में जाते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं बिली को। बिली और कोई ना तो इस शहर का चेयरमैन है, यानी कि जो भी होता है यानी कि जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर सड़क बनवाना पुल बनवाना वो चेयरमैन यानी कि बिली के थ्रू ही होता है। लेकिन ये बिली डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता, तो बिली को ज़रूरत होती है 4 कांग्रेसमैन की सपोर्ट की यानी कि वोट की। उसमें से एक कांग्रेसमैन हमारा इवेन भी है। तो बिली कहता है कि वो इवेन को पसंद करता है और वो उसे और भी ज़्यादा तरक्की दे सकता है, लेकिन उसे वोट देना पड़ेगा उसके अगले चुनाव में। इसके बारे में इवेन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि बिली उसे पसंद करता है और वो कहते हैं कि वो ज़रूर वोट देगा। लेकिन उसी के साथ इवन के साथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें घटना शुरू हो जाती है। वो देखते हैं कि उसको धीरे धीरे एनिमल्स यानी कि जानवर फॉलो करने लगे। उसी के साथ भुंसी यानी कि बर्ड भी उसको फॉलो करने में लग गए हैं।
वो फॉलो करने में मतलब सिंगल सिंगल फॉलो नहीं होते, वो जोड़ियों में फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि नोवा के साथ हुआ था। नोवा अपने शिप के अंदर हर प्रजाति के दो एनिमल को लेके गया था, एक नर और एक मादा, जिसके कारण कोई भी जनजाति या फिर कोई भी प्रजाति मारी ना जाती, उनके बच्चे पैदा होते और वो बच्चे और बच्चे पैदा करते, यानी कि शेर हो, कुत्ते हो, पंछी हो, वो कोई भी मारा नहीं जाता। तो इसी के तरह नोवा की तरह ही इवेंट के पीछे भी अब जानवर फॉलो करने लगे हैं। लेकिन जब इवेन अगली बार भगवान से मिलता है, गॉड से मिलता है, गॉड से कहते हैं कि उसे सब कुछ पसंद नहीं है, उससे कोई भी नाव नहीं बनानी, तो गॉड सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि तुम्हें वो करना होगा, वो तुम्हारी डेस्टिनी ही है और ये तुम्हारी लेगेसी भी है और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कहते हुए गॉड वहाँ से गायब हो जाते हैं। वैसे अगले दिन हम देखते हैं कि इवेन को अचानक से दाढ़ी आ गई है और कुछ भी करे, वो दाढ़ी को कितनी बार भी बनाए, कट करे या भी सेव करे, वो दाढ़ी जाने का नाम ही नहीं रहती, वो 5 सेकंड के अंदर फिर से आ ही जाती है। लेकिन उसी के साथ इवेंट को एक धक्का और भी लगता है जब इवेंट को पता चलता है कि उसने यानी कि उसने ने गॉड ने किया था, लेकिन लोगों को लगता है कि इवेंट ने खुद ने उसके घर के आजू बाजू जितनी भी जगह है, जितने भी प्लॉट है, सब कुछ खरीद लिए है अपनी जायदाद बेच के, यानी कि उसके पास जो भी जायदाद है, उसका घर है, उसका सोना या फिर जो भी है, वो सब कुछ बेचने के बाद, गिरवी रखने के बाद, उसने अपने घर के आजू बाजू में जो भी ज़मीन है उसे खरीद ली है या फिर लीज पे ले ली है। इसके बारे में जब इवेंट को पूछा जाता है तो इवेंट कुछ नहीं बताता और कहते कि एक मजाक है, लेकिन बाद में वो मान लेते कि हाँ उसने ही सब कुछ खरीदा है, क्योंकि वो कैसे बताता कि भगवान ने ये सब कुछ किया है। और उसे पता चल जाता है कि कुछ होना हो उसे नाव तो बनानी ही होगी, और वो नाव बनाने के काम में लग जाता है। वो इस काम के अंदर अपने तीनों बच्चों के मदद लेता है, बच्चों के कहते हैं कि ये सिर्फ एक समर हॉलीडे का कैंप है या फिर एक छोटा मोटा ऐसे फन एडवेंचर है जो हम करने वाले हैं। इसके अंदर बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मजा आता है क्योंकि वो पहली बार अपने डैड के साथ वक्त बिता रहे थे। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी इवेंट की हालत दिन ब दिन और भी ज़्यादा खराब हो रही थी दूसरों के हिसाब से, क्योंकि उसके दाढ़ी के बाद दिन ब दिन बढ़ रहे थे, जो कि काटने का नाम ही नहीं रहे थे या फिर उसे काटा नहीं जा सकता था। उसके दोस्त ये देख के उसे पागल बोल देते हैं, कहते कि कोई पागल ही होगा जो कांग्रेसमैन बनने के बाद भी ऐसे हरकतें कर रहा है। लेकिन उनके दोस्तों को क्या पता कि यहाँ पे क्या साल हुआ, या फिर उनके फैमिली मैन को भी नहीं पता। जैसे बिली ये सब कुछ देखता है तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है, वो कहता है कि ये सब कुछ नौटंकी बंद कर दे और जल्दी से अपना काम पर ध्यान दे। और ऐसे कई सारे दिन बीत जाते हैं। यहाँ पे इवेंट अपने काम में लगा हुआ है, वो नाव बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, वो जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना चाहता है और अपने इस पूरे दलदल से या फिर इस पूरे दिमाग के प्रॉब्लम से या फिर कहा जाए कि जो भी उसको प्रॉब्लम होती है उसे छुटकारा पाना चाहता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि इवेंट को भगवान ने अपने कपड़े दिए या फिर अपने कपड़ों जैसे कपड़े दिए हैं, जैसे कि लॉर्ड जीसस जैसे कपड़े पहनते थे वो खुले टाइप के, उसी तरह के कपड़े इवेंट को दे दिए जाते हैं। इवेंट वो पहनना पसंद भी करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि इवेंट थोड़ा थोड़ा गॉड जीसस की तरह दिख रहा है। उसी के साथ इवेंट को टीवी में से ये पता चलता है, यानी कि टीवी में से गॉड या भगवान कहते हैं कि 21 तारीख को आने वाली है सुनामी। ये बात किसी को नहीं पता होगी सिवाय इवेंट को। इवेंट को ये पता चलता है कि यानी कि 2 महीने के बाद ही आने वाली है सुनामी। और उसी के साथ वो दिन भी आ जाता है जब चेयरमैन के लिए वोटिंग करनी होती है। यहाँ पे इवेंट को तो पता है कि वो किसको वोट करने वाले, वो वोट करने वाले बिली को। लेकिन उसी के साथ एक और बड़ी मुसीबत भी ये होती है कि जो कपड़े गॉड ने इवेंट को दिए होते हैं वो इवेंट उतार नहीं सकता। जैसे वो कपड़े उतार देता है वो कपड़े ऑटोमेटिक वो पहन भी लेता है, या फिर जैसे वो सूट बूट पहन लेता है वो कपड़े ऑटोमेटिक यानी कि सूट बूट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं उसके बॉडी पे से। तो इसके ऊपर इवन अपना दिमाग लगाता है, पहले वो जीसस के कपड़े पहनता है उसके ऊपर सूट बूट पहनता है और ऐसे वो चला जाता है ऑफिस में अपनी वोट देने के लिए। लेकिन जैसे वो पहुंच जाते हैं वोटिंग के यहाँ पे तो उसके सभी के सभी कपड़े उतर जाते हैं और उसके जगह पे वो उसने वही पहना है जो उसने जीसस को दिया था या जीसस से लिया था। इसके जगह पे उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है, सब लोग उसे पागल बोलते हैं और कहते हैं कि ऐसे निकल जाए। इसके जवाब में इवन चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि 21 तारीख को सुनामी आने वाली है और सभी के सभी मर जाने वाले हैं। इसके जवाब में बिली कहता है यानी कि चेयरमैन कहता है कि सुनामी की क्या बात कर रही है कि यहाँ पे हमारे शहर में बारिश भी नहीं हुई ठीक से, यहाँ पे पानी के वांदे चालू है और तुम सुनामी की बात कर रहे हो। लेकिन इसके जवाब में इवन फिर से चिल्लाने लगता है कि सुनामी आने वाली है और गॉड ने उसे बताया कि सुनामी आने वाली है और इसके वजह से वो नोवा
की तरह ही एक आर्म बनाने वाले एक जहाज बनाने वाला है। ये सब कुछ टीवी पे लाइव जा रहा था, यानी कि पूरी कंट्री के देश ये देख रही थी, पूरे देश की जनता ये देख रही थी और उसे पागल करार किया जाता है। इसके जवाब में उसके बच्चे जो कि सब कुछ टीवी में से देख रहे थे अपने घर पे बैठ के, और उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा शर्मसार हो जाती है और उसकी बीवी उसके बच्चों को लेकर मायके चले जाते अपनी माँ के पास। और उसी के साथ एवन फिर से अपने काम पे लग जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसकी मदद के लिए कोई भी उसका फैमिली मेम्बर नहीं था, लेकिन उसी के साथ जहाँ पे वो जहाज बना रहा था वहाँ पे पूरी की पूरी मीडिया आ जाती है और सभी लोग उसको वहाँ पे देखने के लिए आ जाते हैं। मीडिया उसको एक नया नाम देती है, कहते कि हमारे शेर का यानी कि ब्रूस वीर का नोवा। ब्रूस वीर का नोवा इसलिए क्योंकि उसने कहा था कि वो नोवा की तरह आग बना रहा है, जहाज बना रहा है सबको बचाने के लिए। सबके लिए ये सब कुछ एक मजाक था, लेकिन सब लोग उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे। उसी के साथ उसके बच्चे भी उसके बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि ऐसा हमारे डैड क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ जहाँ पे इवन की बीवी उसको छोड़ के अपने माँ डैड के पास आ गई थी, वो वहाँ पे बेटी एक रेस्टोरेंट में खाना खाई थी, उसी वक्त वहाँ पे गॉड आ जाते हैं एक वेटर के रूप में और कहते हैं कि आप परेशान दिख रहे हो, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। इसके जवाब में उसकी बीवी यानी कि एलेन कहती है, हाँ आप मेरी मदद कर सकते हो या फिर नहीं भी, क्योंकि जो इंसान वो पागल इंसान टीवी में दिख रहा है वो मेरा हस्बैंड थे और वो पागलों जैसे हरकतें कर रहा है। इसके जवाब में भगवान कहते हैं कि क्या वो गलत कर रहा है, क्या तुम्हें भरोसा नहीं कि वो सही कर रहा है या गलत, या तुम्हें कुछ पता ही नहीं। इसके जवाब में उसकी बीवी कहती है कि मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन वो जिस तरह से भी काम कर रहा है वो मजाक का पात्र बन रहा है, लोग उसका मजाक बना रहे हैं। इसके जवाब में भगवान कहते हैं कि क्या इसमें गलत है, दुनिया में आर एक अच्छा इंसान या फिर जो भी जीनियस है उसको पागल ही माना जाता है। न्यूटन को कहा गया, आइंस्टाइन को कहा गया और बाकी के जितने भी इंसान हैं उसको पागल ही कहा गया, लेकिन तब भी वो महान इंसान बन के उभरे और शायद तुम्हारा पति भी ऐसा ही कुछ करने वाला है। इसके जवाब में उसकी पत्नी कहती कि लेकिन मुझे ऐसा कोई जीनियस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक पुराना वाला इवेंट चाहिए जो हमारे साथ रहता था, जो फैमिली के साथ टाइम बिता रहा था। इसके जवाब में भगवान सिर्फ एक ही बात कहते हैं, शायद यही वो मौका है जहाँ पे तुम अपने पति का साथ दे सकते हो और एक साथ टाइम बिता सकते हो। ये कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाता है, और जैसे वो वहाँ से गायब हो जाते हैं यानी कि भगवान वहाँ से गायब हो जाते हैं, तो अगला सीन हम नोवा के पास यानी कि इवेंट के पास पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं कि उसकी बीवी उसके पास आ गई है और कहते कि उसे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, यानी कि एलन का इवेंट के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है और उसके बच्चों को भी, और वो एक साथ नोवा बनाएंगे यानी कि अपना कैसियो यानी कि जहाज बनाएंगे। और उसी की तरह वहाँ पे आ जाते उसके दोस्त भी, उसके दोस्त यानी कि उसके उसके साथ जो काम करते थे यानी कि उसके दोस्त उसके साथ काम भी करते हैं, तो वो कहते हैं कि बिली एक बहुत ही बड़ा स्कैमर है और पिछली बार जैसे उसने एक स्कैम किया था एक डैम बनवाने के अंदर, जैसे कि पिछली बार उसने एक डैम बनवाया था लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पैसे खाए थे और जो सामान था जो मटेरियल था वो भी बहुत ही ख़राब यूज़ किया गया था, और अगर इस बार भी वो ऐसे कोई स्कैम करने जाने वाला है, जो अगली बार वोटिंग होने वाली है 21 तारीख को एक वोटिंग होने वाली है बिली के लिए जो कि एक नए प्रोजेक्ट के लिए, उसके अंदर भी उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही बड़ा स्कैम किया हुआ है और इवेंट को इसके ऊपर आपत्ति जतानी होगी। इवेंट कहते हैं कि मैं आपत्ति कैसे जता सकता हूँ, इसके जवाब में उसके दोस्त कहते हैं कि वो काम के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन उसने कभी रिजाइन नहीं दिया और नहीं उसे कभी ऑफिशियली निकाला गया है, इसका मतलब है कि अभी भी उसका वोट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और यह सब कुछ होना है 21 तारीख को, 21 तारीख वही दिन है जब सुनामी भी आने वाली है। और इसके जवाब में वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि वो आग बना के अपने दोस्तों को बचाने जाए या फिर अपने वैसे इवन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि 21 तारीख को वो कहाँ पे जाए, नाव पे रहे या फिर वोटिंग के लिए बिली के साथ चले जाए जहाँ पे वो पार्लियामेंट पे जाना है। लेकिन एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि जहाँ पे उसको वोटिंग करने के लिए जाना है पार्लियामेंट पे जाना है वो जगह यहाँ से करके 20 किलोमीटर तक दूर है, यानी कि आना जाना मुश्किल नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। और इसी तरह से 21 तारीख आ जाती है यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे नाव पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है उसी के उसी दिन पे, यानी कि 21 तारीख को उसने नाव बना दी है और वहाँ पे जैसे कि इवेंट ने पूरी मीडिया के सामने कहा था कि 21 तारीख को सुनामी आने वाली है, तो पूरे के पूरे देश के लोग वहाँ पे जमा हो गए है और ये देखना चाहते हैं कि क्या सुनामी आती है या नहीं आती। यहाँ पे किसी को भी भरोसा नहीं कि सुनामी नहीं आने वाली, लेकिन वो सिर्फ इवेंट का मजाक बनते हुए देखना चाहते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पे पुलिस भी आती है और कहते हैं कि हम ये नाव तोड़ने के लिए आए हैं और आज हम ये नाव तोड़ के ही जाएंगे। इसके जवाब में इवेंट कहते हैं कि कुछ देर के रुक जाओ, यहाँ पे सुनामी आने वाली है। और जैसे हम बादल की तरफ देखते हैं तो बादल से बहुत ही ज़्यादा जोर से बरसात भी आती है, लेकिन ये सब कुछ फ्लॉप हो जाता है क्योंकि वो बारिश बहुत ज़ोर से होती है लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर से सूरज उग आता है
और पुलिस वाले आगे बढ़ के वो पूरी कुनाव तोड़ने लग जाते हैं। ये देखते हुए सब लोग बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, क्या यही तुम्हारी सुनामी है? क्या यही तुम्हारे भगवान ने कहा है? इसके जवाब में इवन बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। वो आसमान की तरफ देखते हुए भगवान को बहुत ही बुरा भरा कहता है। लेकिन जैसे वो पीछे देखता है तो वो देखता है कि जो डैम बिली ने बनवाया था, जिसके अंदर स्कैम किया गया था, वो डैम पूरी तरह से टूट जाता है। उस डैम में से जो भी पानी था या फिर जितना भी पानी भरा हुआ था, सब का सब उसी की तरफ आ रहा है। ये सब देखते हुए लोग बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यही सुनामी है, और हाँ, यही वो सुनामी जिसके बारे में भगवान ने कहा था। जहाँ पे भी वो लोग थे, यानी कि जितने भी लोग वहाँ पे थे, रिपोर्टर, मीडिया मैन, कॉमन मैन, सिविलियन मैन या फिर पुलिस वाले भी, वो सभी के सभी उस नाव के अंदर चढ़ जाते अपनी जान बचाने के लिए। उस पानी का बहाव इतना ज़्यादा था, यानी कि सब लोग चढ़ने के बाद उस पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि उसने इतने बड़े नाव को भी जल से हिला दिया था, ज़मीन से हिला दिया था। अब वो पूरी की पूरी नाव एक ज़मीन के ऊपर बेस नहीं थी, तो वो पानी के ऊपर तैर रही थी। और वो सभी घरों को तोड़ते हुए, यानी कि इवेंट का घर तोड़ते हुए, उसके पड़ोसी का घर तोड़ते हुए अपने शहर की तरफ लौट रही थी। वो बाढ़ इतनी बड़ी थी, यानी कि इसका मतलब है कि ये एक तरह से सुनामी है। आकर उसने नाव नहीं बने होती और कोई भी नाव के अंदर नहीं चढ़ा होता तो सबके सब मारे जाते। ये न्यूज़ पूरे मीडिया में भी फैल जाती है कि सुनामी एक्चुअल में आ गई है। ये कोई एक्चुअल सुनामी नहीं थी, रिपीटेड ये ही थे कि ये कोई एक्चुअल सुनामी नहीं थी, ये कि समंदर से आई हुई सुनामी नहीं थी, और नहीं इसके अंदर पूरी की पूरी कंट्री वाले लोग मारे जाते। लेकिन ये एक सुनामी थी। अगर नोवाक ने, यानी कि इवेन ने, वो नाव नहीं बनाई होती तो कई हजारों लोग मर जाते जो कि अभी नाव के ऊपर है। और वो नाव सीधा तैरते फड़ते या फिर अपने फ्लो में आते हुए पार्लियामेंट के सामने आके रुकती है। पार्लियामेंट के सामने जैसे नाव आके रुकती है तो इवेन नीचे उतरता है और कहता है कि मैं बिली को अपना वोट वापस लेता हूँ। इसके जवाब में बिली कहता है कि ये सब कुछ तुमने किया है, तुमने ही वहाँ पे बॉम्ब फिट किया होगा और डैम को तोड़ दिया अपनी बात सच मनवाने के लिए। लेकिन ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही निरीक्षण होंगे कि डैम किस वजह से टूटा है तो वो स्कैम सामने आ जाएगा, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं थी इवेन के लिए। इवेन कहता है कि तुमने गलत किया था, किसी और ने नहीं। और इसके जवाब में इवेन फिर से कहते हैं कि देखो, भगवान ने सुनामी ला दी। मुझे पता नहीं इसमें भगवान का हाथ है या नहीं है, लेकिन सुनामी आई है, और इस सुनामी का कारण कोई भगवान नहीं तो एक शैतान है जिसका नाम बिली है। और जैसे ही सब कुछ शांत हो जाता है, यानी कि सब कुछ पानी का फ्लो ठीक ठाक हो जाता है, तो जो भी जानवर उस नाव के अंदर थे वो धीरे धीरे बाहर आते हैं और गायब हो जाते हैं। सबके आंखों के सामने से गायब नहीं होते, वो सिर्फ चलते जाते और जब तक वो आंखों से गायब ना होते तब तक चलते ही जाते हैं। यानी कि जैसे कि वो एक हवा में से आए थे, उसी तरह से वो गायब भी हो जाते हैं। और यहाँ पे इवेंट की लाइफ फिर से ठीक हो जाती है, जैसा कि हमने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाता है, उसके बाल बिल भी गायब हो जाते हैं। और इसी तरह से 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, यानी कि जो घटना अभी हुई है उस घटना के लिए पूरे पूरे 3 हफ्ते हो चुके हैं। यहाँ पे हम इवेंट को देखते हैं कि इवेंट अपने फैमिली के साथ कहीं पे हाइकिंग करने के लिए आया है। लेकिन जैसे वो हाइकिंग के सबसे ऊपर पहुँचता है, वो देखते हैं कि सामने गॉड खड़े हैं। वो भगवान के पास जाता है और भगवान से कहते हैं कि आखिर सुनामी आ ही गई, लेकिन सुनामी आई क्यों थी? इसके जवाब में भगवान कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैंने कभी सुनामी लाई ही नहीं थी। इवेंट कहते हैं कि मुझे पता है, लेकिन क्यों? मतलब कि पिछली बार जो हुआ था वो भी सच है। नोवा ने जब कहा था कि सुनामी आएंगी और भगवान सुनामी लाएंगे, तो वो सुनामी किसी भगवान में नहीं तो किसी शैतान ने लाई थी। इसी के जवाब में भगवान कहते हैं कि शैतान नाम की कोई चीज़ अभी तक बनी नहीं है, तुम्हारी कर्म ही तुम्हें बनाते कि तुम क्या हो। इसके जवाब में इवन कहते हैं कि तो पिछली बार तुमने सबको बचा लिया था और इस बार भी बचा लिया, लेकिन आखिर में जो बारिश आई थी 10 मिनट के लिए, वो क्या थी? इसके जवाब में कहते हैं कि भगवान हूँ इसलिए चमत्कार करता हूँ, 1-2 चमत्कार दिखा दिए, अगर मैं वो नहीं करता तो अगली बार डैम टूट जाता और तुम्हारा मजाक भी बन जाता। और वो कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाता है। इवन को ये समझ में आता है कि दुनिया के अंदर जो भी होता है उसके अंदर भगवान का कुछ हाथ नहीं होता, जो भी होता है वो सब कुछ इंसान अपने हाथों से करता है। भगवान और शैतान सब कुछ इंसान का बनाया हुआ है। भगवान ने सिर्फ एक इंसान बनाया और इंसानों ने भगवान और शैतान दोनों को। Wish 107.5.